हेलो क्लास नाइन्थ के बच्चों, तो एक बार फिर से आप सभी का मोस्ट वेलकम। और आज का जो वीडियो है, इस वीडियो के अंदर हम देखने जा रहे हैं क्लास नाइन्थ का एक सैम्पल पेपर फॉर गुजरात स्टेट एजुकेशनल बोर्ड, यानी कि GSEB बोर्ड के लिए हम देखेंगे क्लास नाइन्थ का एक सैम्पल पेपर फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट। एंड गाइज, दिस इज नॉट द ओरिजिनल पेपर, सो डोंट मिस्टेकन, ठीक है? दिस इज नॉट द ओरिजिनल पेपर, दिस इज जस्ट अ सैम्पल पेपर, सो डू इट अकॉर्डिंगली। एंड इफ यू डू दिस सैम्पल पेपर थरली ना, देन डेफिनेटली यू विल बी एबल टू स्कोर गुड मार्क्स इन योर फाइनल एग्जाम, ठीक है? चलो आइए, तो इस सैम्पल पेपर को मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है? और आपको जो है कुछ आंसर्स जो है अगर मैंने बता दिया तो ठीक है, बिकॉज अगर मैं आंसर्स बताने जाऊंगा तो ना, इट विल टेक अ लॉट मोर टाइम, एंड डेफिनेटली आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम, बिकॉज योर एग्जाम इज देयर इन अप्रैल। आई विल जस्ट शो यू दिस सैम्पल पेपर एंड यू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ ईच एंड एवरी पेज, एंड आफ्टर दैट यू ट्राई टू सॉल्व इट बाय योरसेल्फ, ठीक है? चलो यहाँ पे देखते हैं, पहले का आंसर जो है वो आएगा एयर आएगा, ठीक है? आप सभी को पता होगा होमोजीनियस क्या होता है, एयर जो है, एयर इज अ काइंड ऑफ अ होमोजीनियस मिक्सचर। रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल, तो यहाँ पे आंसर आएगा सी, न्यूक्लियस इन द एटम, रदरफोर्ड फाउंड न्यूक्लियस ऑफ द एटम बाय दैट एक्सपेरिमेंट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, लाइक यू नो ही इमिटेड द अल्फा पार्टिकल्स ऑन द गोल्ड फॉइल, ठीक है? थ्रू द गोल्ड फॉइल, सो डेफिनेटली ही गॉट द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डाइजेस्टिव सोसाइट, सो इट्स बी लाइसोसोम्स, ठीक है? तो अकॉर्डिंगली आपको आंसर करना है, फोर्थ आंसर, फिफ्थ का आंसर क्या आएगा, फोर्थ का आंसर क्या आएगा, डेफिनेटली यू शुड कमेंट डाउन दैट इन सेक्शन, कमेंट दैट डाउन इन सेक्शन गाइज, वॉट वुड बी द आंसर ऑफ फोर्थ एंड फाइव सिक्स। द वैल्यू ऑफ जी इज मैक्सिमम, जी की जो वैल्यू है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगी, ठीक है? गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स की जो वैल्यू है, वेयर इट विल बी द मैक्सिमम, सो जस्ट राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। सेवन्थ आप देख लीजिए, एट्थ आप देख लीजिए, एंड डेफिनेटली नाइन्थ भी आप देख लीजिए, ठीक है गाइस? तो ये सब जो है आपको क्वेश्चन के जो आंसर्स हैं, यू हैव टू जस्ट राइट इट डाउन इन कॉमेंट सेक्शन बाई योर सेल्फ, सो दैट यू कैन हैव अ गुड प्रैक्टिस, एंड इन फाइनल एग्जाम यू कैन लाइक फाड़ दो, तोड़ दो पेपर को, हो जाए, ठीक है? मतलब ये सब करना है आपको। चलो टेंथ है, अब टेंथ भी आप देख रहे हैं, रोटेशन ऑफ क्रॉप इज एसेंशियल फॉर, ठीक है? रोटेशन ऑफ जो क्रॉप होता है वो किस चीज़ के लिए एसेंशियल है, तो इसका आंसर भी आप बताइए। चलो यहाँ पे है अभी द एसेंशियल रीजंस, ये सब तो ठीक है। आप है ना, ये वाले क्वेश्चन को गाइस करना ही मत, ये वाले क्वेश्चन को ना आप, ये वाले क्वेश्चन को आप डिलीट कर देना, और अगर आपको करना है तो डेफिनेटली यू कैन डू दैट। चलो 13 वाला देखिए, एटोमिसिटी ऑफ ओजोन, ठीक है? एटोमिसिटी ऑफ ओजोन, O3 जो होता है, ठीक है? आपको ये राइट द फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है? मैग्नीशियम क्लोराइड का भी आपको फॉर्मूला लिखना है, MgCl ट्वाइस, ठीक है? चलो विच टाइप ऑफ टीसी इन प्लांट्स प्रोवाइड द फ्लेक्सिबिलिटी, आप इन सारे क्वेश्चन को देख लीजिए और फटाफट ना आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए, मैं इसको साइड कर देता हूँ थोड़ा सा। वो इधर के लिए आ रहा है भाई, तो ये तो इधर ही फंस गया है इस, चलो कोई बात नहीं, मैं इसको इधर साइड में कर देता हूँ। तो आप अच्छा एक सेकंड, मैं इसको हटा ही देता हूँ कुछ देर के लिए। चलो तो आप अभी यहाँ से सिंपली क्वेश्चंस को देख सकते हो। तो गाइज आप क्वेश्चन को देखिए और आंसर जो है करने की कोशिश करिए। चलो मैं एक बार पूरा क्वेश्चन पेपर आपको दिखा देता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे जो है आप इसको डेफिनेटली देख सकते हैं क्वेश्चन पेपर को। हाउ डज एन अमीबा ऑब्टेन इट फूड, व्हाट इज ऑस्मोसिस, व्हाट इज जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म डिफर, तो ये सब पूरा जो है आपको ये क्वेश्चंस देख लेने हैं, डिराइव आपको जो इसमें से इंपॉर्टेंट है मैं वो भी आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन। अच्छा ये ऊषा स्विम वाला जो है 8th चैप्टर मोशन में है, ठीक है? तो ये आपको सारे फॉर्मुलेशन ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन, दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है? ये सब जो है आपको पूरा देख लेते हैं। सेक्शन सी पे आ चुके हैं अपने अभी, सेक्शन सी जो है उसको भी गाइस आप स्क्रीन शॉट ले लेना और खुद से ट्राई करिए करने की। ओके 32, 33, 34 यहाँ तक आ चुके हैं हम अभी, इसको सबको देखिए आप और ख़ुद से घर पे ट्राई करने की कोशिश करिए इन सभी को। ओके गाइस, तो होप करता हूँ आप स्क्रीनशॉट ले रहे हैं। ओके तो पेपर को अभी आगे बढ़ते हैं, तो बस ये इतना ही पेपर है गाइस, एक बार फिर से मैं इसे थोड़ा सा, ठीक है, एक बार वापस से मैं इसे पेपर को दिखा देता हूँ आपको सही से, जिससे आप स्क्रीनशॉट ले सको, ठीक है? यहाँ पे है, चलो गाइज, तो होप करता हूँ आपने देख लिया होगा पेपर को। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, क्योंकि टेंथ में भी हम नए चैप्टर्स के, आप मतलब अभी नाइन्थ में हो तो डेफिनेटली आप टेंथ में आने वाले हो, तो हम सारे चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन बहुत आसान तरीके से लेके आएंगे, व्लॉग के मूड में होगा वो सारा जो चैप्टर का एक्सप्लेनेशन होगा। तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर करना, जिससे कि भी उनका भी हेल्प हो सके।